हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जय विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मेरे पास मोर देन 6 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। मेरी IIT जैम रैंक 694 रही है। दोस्तों, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके, दैट इज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि यार इस ऐप को डाउनलोड करें। क्या मिलेगा आपको हमसे कनेक्ट होके? क्यों आप हमारी ऐप डाउनलोड करोगे? तो देखो दोस्त, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। उनमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है, जहाँ पे आप अपने डाउट इजीली डिस्कस कर सकते हो। जो भी आपके मन में सवाल होता है वहाँ पूछते हो। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग से हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी पता करते हैं कि एक सवाल को करने में कितना समय लगाया गया है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल है दोस्त एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। आप जब हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इंक्रीमेंट आएगा। आप अपनी गलतियों को पकड़ोगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और उसको कैसे सुधारना है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका रिजल्ट डिसाइड होगा, आपकी रैंक वहीं से हाई और लो डिसाइड होती है। तो प्लीज़ जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सको दोस्त, उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। आपको बहुत अपनी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होने में एहसास होगा कि हाँ, आपका इंक्रीमेंट लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है दोस्त, वो कम्प्लीटली एक स्ट्रक्चर पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स मैनर में है। दैट मीन्स आपको एक परफेक्ट बैच मिलता है, परफेक्ट फैकल्टीज मिलते हैं, परफेक्ट टाइमिंग होती है, आपकी बॉडी क्लॉक उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी DPP मिलती हैं। आप उस DPP को सॉल्व करते हो, उसमें डाउट्स को सॉल्व करते हो, फिर डाउट्स आपको जो आते हैं उसको हम बताते हैं। मतलब कम्प्लीटली एक फिक्स पैटर्न है। फिर आपके माइनर टेस्ट होंगे, मेजर टेस्ट होंगे, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। आपको लगेगा कि हाँ, आप एक कम्प्लीटली एक स्ट्रक्चर बॉडी से जुड़े हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज द एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ द अनअकैडमी, अनलिमिटेड एक्सेस। सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी कि इन केस अगर आप हमारी किसी रीज़न से हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी में एन नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं और हर फैकल्टी अपने आप में टॉप क्लास के हैं। तो आपको जिस फैकल्टी से पढ़ना है, आप उस फैकल्टी से पढ़ो। आपको हर फैकल्टी से पढ़ने का मौका दिया जाएगा। आप चाहो तो आप फिजिक्स के 10 फैकल्टी से पढ़ो, केमिस्ट्री के 20 से पढ़ो, इट्स अप टू यू। आपका टाइम होगा, आपकी क्लास होगा, आपका सिलेक्शन टीचर का होगा, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए हमारा बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ी आपको पे करना है। हमारी इकोनॉमिकल फ़ी जो बच्चे 12 मंथ की है वो है 38,500। इसके अलावा भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हम आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देते हैं। और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650 रुपीज़। माई डियर, ये आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे, जो कि कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। अब 34,650 रुपीज़ में आपको तीन सब्जेक्ट मिलते हैं यार, दैट मीन्स PCM। इसके अलावा आपको एन नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं, तो इससे कुछ इकोनॉमिकल, इससे कुछ अफोर्डेबल नहीं हो सकता इतने सस्ते अमाउंट में, ठीक है दोस्त। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हो और 12th, या 12th में हो और आपका ड्रॉपआउट का प्लान है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह आप 24 मंथ वाला प्लान लो। 24 मंथ वाला प्लान की जो कॉस्ट है वो है 56,000 ओनली। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आफ्टर दिस डिस्काउंट ये जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,400। माय डियर, इस अमाउंट को भी
अगर आप एक साथ नहीं पे करना चाहते हो तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट ईएमआई है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ। इस ईएमआई के बेसिस पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं पर मंथ की ईएमआई देख रहा हूँ तो वो आ रही है 21,000। अब 2100 रुपये में आपको यार तीन तीन सब्जेक्ट मिल रहे हैं, मतलब 700 रुपये पर सब्जेक्ट पड़ रहा है। आप सोचो यार 700 में पर सब्जेक्ट है, तीन तीन सब्जेक्ट आपके सामने हैं, एन नंबर ऑफ फैकल्टीज़ हैं, इससे इकोनॉमिकल, इससे अफोर्डेबल शायद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप कहोगे कि सर आप हमसे 3 मंथ और 6 मंथ या 1 मंथ के लिए क्यों नहीं कहते? तो देखो यार, कोई भी चीज़ जो पढ़ाई होती है, एक फ़िक्स टाइमिंग होती है, एक फ़िक्स डेट होती है और एक फ़िक्स कोर्स होता है। आप इस इतने बड़े कोर्स को अगर मैं देखूँ तो यार PCM मिला के मेरे ख्याल से 90+ चैप्टर्स हैं। 90+ चैप्टर्स को आपको कवर करना है तो आपको क्या लगता है आप 6 मंथ और 3 मंथ में इसको कवर कर पाओगे? दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और अगर अधूरा भी हुआ तो आपको JEE नहीं क्लियर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप या तो 12 मंथ वाला प्लान लो या तो 24 मंथ वाला प्लान लो, ठीक है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो तो कोशिश करो कि 24 मंथ वाला प्लान लो, ठीक है। ये देख सकते हो मैंने क्लास में कैसे बच्चों से आराम से हम लोग डिस्कस करते हैं, बच्चे आराम से हमसे बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स में बच्चों को पोलिंग करानी होती है, बच्चे पोलिंग के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हमसे जुड़ जाइए, हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, बड़ा मज़ा आता है यार क्लास में, लाइव क्लास आई है, डेली मेरी एक क्लास चलती है, वो होती है PYQ सीरीज़ या बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज चलती रहती है, और ये लगभग रोज रात के 9 बजे होती है। तो प्लीज़ आप ऐप को डाउनलोड करिए, मेरा नाम सर्च करिए, मुझे फॉलो करिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको रेगुलर बेसिस पर पता चल जाएगा कौन कौन सी वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्त, सबसे पहले आपका दोबारा स्वागत है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ में। आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ प्लान कर रखी है जिसका नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़, और इस सीरीज़ के दौरान आज जो है वो अपन लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 14 पढ़ेंगे। इट मीन्स पार्ट 1 से लेकर मैंने पार्ट 13 पढ़ा दिया है, और आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज़ पार्ट 14 को देखने से पहले एटलीस्ट पार्ट 12 और 13 तो देखो ही देखो, सब कुछ देखो लेकिन ये ज़रूर देखो, क्योंकि 12 से ही मैंने इलेक्ट्रोफ्लिक सब्स्टिट्यूशन शुरू किया हुआ है। और आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि केमिस्ट्री ऐसे आपस में इंटरलिंक्ड होती है दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताया है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, कहाँ कहाँ अटैक करते हैं, कैसे अटैक करते हैं, किस रेट से अटैक करते हैं, ऑर्थो पे अटैक होता है कि पैरा पे अटैक होता है कि मेटा पे अटैक होता है, ठीक है। दो ग्रुप लगेंगे तो कैसे डिसीजन लेंगे, सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि फिडल कप अल्कैलेशन क्या होता है, एसाइलेशन क्या होता है, एसिटाइलेशन क्या होता है, बेंजोइलेशन क्या होता है, ठीक है। बहुत कुछ बताया है मैंने आपको, ब्रोमिनेशन, आपको नाइट्रेशन, आपको सल्फोनेशन, सब कुछ बता रखा है पीछे वाली सीरीज़ में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसको ज़रूर देखो। आज का जो हमारा मेन मोटिव है, जो आज का मेरा टॉपिक है, वो है कि जो परसेंटेज यील्ड बनती है जब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो किसी बेंजीन पे, और आप देखना चाहते हो कि ग्रुप लगने के बाद रिजल्टेंट ऑर्थो पे आता है, मेटा पे आता है और पैरा पे आता है, तो कितनी यील्ड के साथ आता है, ठीक है। तो आज हम लोग परसेंटेज यील्ड की पूरी स्टडी करने वाले हैं। आज का जो हमारा कम्प्लीटली टॉपिक है वो परसेंटेज यील्ड पे जाएगा कि कितनी परसेंटेज यील्ड कितनों को जाती है, ठीक है। परसेंटेज यील्ड इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा हम कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ रिएक्शंस देखेंगे, कौन कौन सी रिएक्शन इसके थ्रू जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। इसको बताने से पहले मैंने उस लास्ट क्लास में जो आपसे डिस्कशन किया था वो ये किया था कि जब भी जनरल नॉर्मल कंडीशंस में जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है दोस्त, तो आप जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो तो इंटरमीडिएट में जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिजल्टेंट कंक्लूजन निकलता है वो ये निकला था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रिजल्टेंट एक तो पैरा पे आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रिजल्टेंट हमारा ऑर्थो पे आता है। इन दो जगह पे हमने अटैक के लिए देखा था।
हमने आपको ये बताया था कि कब ऑर्थोपेटैक होता है और कब पैरापेटैक होता है और क्यों। तो मैंने आपको दो सिचुएशन दे रखी थी, याद करिए, जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ था इस कंडीशन की ये इंटरमीडिएट रही होगी और इस कंडीशन की ये इंटरमीडिएट रही थी। दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमने देखा था कि जब आप ऑर्थो पे अटैक करते हो और जब पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी मिलती है। इसलिए हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसका अटैक हमारा ऑर्थो एंड पैरा पे होना चाहिए। मैंने बहुत शिद्दत से पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस कितनी यील्ड किसकी कितनी बनती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन पे, हमेशा ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है, और आप जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो तो आप इसका अटैक मेटा पे कराते हो। इसके मैंने दो रीज़न बताए थे। एक तो ये बताया था कि रेजोनेंस करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे आती है, और इससे एक तगड़ा रीज़न बताया था कि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की जब वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से कंडीशन कुछ ये आ रही थी। याद करिए बात को, यहाँ से हमने इसका रेजोनेंस किया था, रेजोनेंस करने के बाद हम यहाँ पहुँचे थे। तो कार्बोकैटायन को भी स्टेबिलिटी मिलती है और यील्ड को मिलती है। अगर मैं ऑर्थो पैरा पे करता तो विड्रॉइंग भी लगता और पॉजिटिव भी लगता तो काम ख़राब होता। ये सब मैंने पीछे डिस्कस किया है यार। आई होप जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो पीछे की वीडियो देख के आया होगा। आज चूंकि मैंने कहा आपसे कि मेरा काम परसेंटेज यील्ड बताने का है तो मैं आज आपको परसेंटेज यील्ड बताने जा रहा हूँ कि परसेंटेज यील्ड किसकी कितनी होती है और कैसे डिसाइड करते हैं किसकी परसेंटेज यील्ड इतनी ही क्यों, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप परसेंटेज यील्ड। देखिए नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पे फिनॉल है, किसी मेरे पास फिनॉल है और मैं फिनॉल का ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ NCS2। तो मुझे जो यील्ड मिल रही है, एक मिल रही है BR हमारे पैरा पे और एक BR मिल रही है मुझे ऑर्थो पे। नॉर्मली दोस्त ऐसा होता है, नॉर्मली, हमेशा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हमारा पैरा होता है उसको हम मेजर मानते हैं और ऑर्थो वाले को माइनर मानते हैं। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि पहला कारण तो देखो सिमेट्री, क्या रीज़न है, पहला रीज़न है सिमेट्री। सिमेट्री रीज़न ये कहती है कि आप इसको काट सकते हो, जब इसको सिमेट्री दोगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी दोगे, ये सिमेट्री नहीं है, इसकी सिमेट्री नहीं है इसके अंदर। दूसरा रीज़न ये है कि यार थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग की बात करते हैं। आप देख सकते हो कि अगर मैं ऑर्थो पोजीशन के डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं ऑर्थो पोजीशन वाले डायग्राम को देखता हूँ तो मुझे एक बात साफ दिख रही है कि ऑर्थो पोजीशन पे OH और BR जो हैं वो कुछ ऐसे हैं, और BR के अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, OH के अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन खूब ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्ट बनेगा तो, लेकिन उतना स्टेबल नहीं बनेगा, इसलिए उसकी यील्ड उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। जबकि पैरा में है, अपोजिट रहेंगे तो उतना रिपल्जन नहीं होगा या ना के बराबर रिपल्जन होगा। जब रिपल्जन ना के बराबर होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। तो नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में हम ऐसा बोलते हैं कि यार अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कोई तो मैं रिजल्टेंट उसका ऑर्थो और पैरा पे दूंगा और ऑर्थो और पैरा में पैरा को मैं मेजर मानता हूँ। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार वर्ड करो नॉर्मली, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज यील्ड परसेंटेज में चेंज आते हैं। क्या आते हैं, कैसे आते हैं, हम इसी वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए नॉर्मली जैसे मैंने Br2 किया, ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 किया। लेकिन अगर 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 यही चीज़ देखिए आपके पास फिनॉल होता और फिनॉल को आप Br2 से रिएक्ट कराते, लेकिन Br2 की जगह इस बार आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया होता, तो इस बार जो इसका यील्ड आती, इसकी जो यील्ड आती
2.4.6 ट्राइब्रोमो, 2.4.6 ट्राइब्रोमो फिनॉल आती है। द रीज़न बिहाइंड दोस्त ऐसा है कि जो फिनोक्साइड आयन इससे बनेगा ना, दैट इज़ वेरी 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 हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस। मैंने आपको पहले बताया भी था पीछे कि फिनोक्साइड आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतना तगड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है कि वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर छोड़ने लगता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के चक्कर में। और कुछ कंडीशन आपको ऐसी नज़र आने लगती है। तो बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ऑर्थो और पैरा पे नज़र आ रही होगी, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में जब आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो और अगर आप वहाँ पे कोई पोलर सॉल्वेंट डाल रहे हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे पानी डाल रहे हो, तो ये इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो अब अगर आपकी उम्मीद सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा से थी तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर मिक्स प्रोडक्ट बना। इसको बोलते हैं रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, CH2 डाला। अगर एग्जाम में पूछता है कि नॉर्मली तो हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की है वो किसी लुइस एसिड के प्रेजेंस में की है, जैसे NH2CL3 हो गया, फलाना हो गया, लेकिन आपने इस बार उसको नहीं डाला, आपने CH2 डाला है या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट को डाला है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है। अगर रिएक्टिविटी कंट्रोल होगी तो रिजल्टेंट मेजर और माइनर पे होगा। और ये मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा, ये सारे डाटा बेस्ड ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको एक आध का तो परसेंटेज बताऊंगा, इसका इतना परसेंट बनता है, इसका इतना परसेंट बनता है और क्यों बनता है, ठीक है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात कर रहा हूँ तो पहले बात मैंने फिनॉल को लेके की और मैंने कहा कि यार फिनॉल में ऐसी कंडीशन हो सकती है। ये मैंने फिनॉल का क्या किया, ब्रोमिनेशन किया। फिनॉल का क्या किया, ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ लिख लीजिएगा यार, हिंड्रेंस होता है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। अब अगर मैं यही चीज नाइट्रेशन करूं फिनॉल का, तो जब आप नाइट्रेशन करोगे फिनॉल का तो फिर कुछ ऐसा होगा। ये आपने फिनॉल लिया, यहां पे आपको डाइल्यूट HNO3 लेना होगा, डाइल्यूट HNO3 लेना होगा। अगेन डाइल्यूट में क्यों ले रहा हूं मैं, क्यों नहीं ले रहा हूं, डाइल्यूट HNO3 H2O ले रहा हूं मैं, कौन क्यों नहीं ले रहा, तो आप समझ चुके होंगे फिनॉल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिनोक्साइड आयन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो उसका एक रिजल्टेंट पैरा पे आ रहा है, और एक रिजल्टेंट ऑर्थो पे आ रहा है। अगेन इसमें तो अलग ही कहानी होती है, यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और दोस्त यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा इस बात को जरूर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वहां पे क्या होती है इंट्रा, और दोस्त यहां पे क्या होती है इंटर। और आपको पता है कि इंट्रा इज मोर स्टेबल देन इंटर, मैं आपको बता देता हूं क्यों। देख सकते हो अगर मैं इंट्रा की बॉन्डिंग बना रहा हूं तो कुछ ऐसी दोस्त, ये इधर और ये, तो ये आपको दिख रही है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर है, ये आपको इंटरमॉलिक्यूलर दिख रही है, जबकि अगर मैं, ये हमारा पी नाइट्रोफिनॉल था दोस्त, जबकि अगर मैं ऑर्थो का डायग्राम बनाऊं तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यहां पे आपकी
इंट्रा हो रही है दोस्त। तो अब मैं अगर बोलूं कि ज़्यादा स्टेबल कौन, तो आपको पता है कि इंटर इज मोर स्टेबल देन इंट्रा। और अगर मैं वॉलेटाइल बोलूं, वॉलेटाइल की हिंदी होती है भाप में बदल जाना, उड़ जाना, तो चूंकि इंट्रा की बॉन्डिंग वीकर होती है और इंटर की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसलिए ज़्यादा वॉलेटाइल कौन हुआ? इंट्रा। कम वॉलेटाइल कौन हुआ दोस्त? इंटर। तो जो ज़्यादा एक्सटेंट तक रह सकता है, जो ज़्यादा अमाउंट में रह सकता है, जो ज़्यादा देर तक स्टेबल रह सकता है, तो वो हमारा क्या मान लिया जाता है? जनरली मेजर मान लिया जाता है। और दूसरा ये आपका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने जब डाइल्यूट लिया तो मैंने ये काम किया। यही चीज़ अगर मैं कॉन्ग HNO3 ले लूँ और कॉन्ग HSO4 ले लूँ, तो जो मुझे जो यील्ड आएगी वो थोड़ी सी उम्मीद से एकदम परे आएगी। दैट इज़ कुछ ऐसी यील्ड आने की उम्मीद है, कुछ ऐसी यील्ड आने की उम्मीद है, ठीक है। एक दैट इज 2.4.6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, और दोस्त इसको पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं दोस्त। जब आप पिक्रिक एसिड की बात करते हो तो ये होता है पिक्रिक एसिड। अब ऐसा क्यों हुआ? तो फिर वही बात, पुरानी वाली बात की, जो फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है या फिनॉल जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव ज़्यादा होने की वजह से उसने यील्ड जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा की जगह मिक्स एक साथ दे दिया, अलग अलग यील्ड नहीं दी। तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, कहाँ अटैक करना, इन सब का डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करता है। इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए कि सिर्फ मेजर और माइनर बनेगा, और मेजर और माइनर में हमने पैरा को मेजर बोल दिया और ऑर्थो को माइनर बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमेशा, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे ये हमने फिनॉल के लिए किया, यही काम अगर एनिसॉल के लिए करते हैं, तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने एनिसॉल का क्लोरिनेशन कर दिया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट और कुछ नहीं, मैंने एनिसॉल लिया और इसका क्लोरिनेशन कर दिया एनहाइड्रस AlCl3 डाल के। और जब मैंने इसका क्लोरिनेशन किया तो मुझे यील्ड कुछ ऐसी मिलने लग गई दोस्त, एक रिजल्टेंट ऑर्थो पे मिला, एक रिजल्टेंट पैरा पे मिला। जिसमें से ऑर्थो को मैंने माइनर कहा और मैं पैरा को मेजर कह रहा हूँ। पैरा को मैंने मेजर कहा और ऑर्थो को मैं माइनर कह रहा हूँ, ठीक है ना, है ना दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कारण यही है कि Cl की साइज बहुत बड़ी है, 17 ग्रुप का है, ठीक है, और 3p ऑर्बिटल है इसमें, आपके पास 2p ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, इसलिए ये माइनर, और यहाँ पे थोड़ा दूर दूर रहते हैं इसलिए आपका ये मेजर, और सिमेट्री भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो ये मेजर वो माइनर, वो मेजर वो माइनर। लेकिन अब हम कुछ आपको और एग्जांपल देने जा रहे हैं जहाँ पे आपकी यील्ड थोड़ी सी आपकी उम्मीद से परे आएगी, जैसे कि एनिलीन के केस में बात करते हैं। मैं आप केस बता रहा हूँ, दिस इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो एनिलीन तो अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, और जब आपने नाइट्रेशन किया होगा तो आपने इसमें कॉन्ग HNO3 यूज़ किया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ग HSO4। और जो प्रोडक्ट की यील्ड आपने उम्मीद की होगी, नो डाउट एक उम्मीद आपने पैरा के लिए की होगी जो कि दुनिया करती है, एक उम्मीद आपने ऑर्थो के लिए की होगी, लेकिन एक मजे की मैं आपको बात बताऊं, एक उम्मीद से थोड़ा बड़े रिजल्ट आता है और यील्ड यहाँ पे मेटा से आने लगती है, और आती नहीं है, मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ। यहाँ पे आपका 51% आता है दोस्त, यहाँ पे 47% आता है दोस्त, और लगभग यहाँ पे 2-3% दैट इज यहाँ आता है।
चलो माना कि ऑर्थो मेजर बनेगा, बन गया, सॉरी ऑर्थो माइनर बनेगा, I'm sorry, बन गया, लेकिन पैरा मेजर बनेगा, उसके साथ साथ मेटा पे इतनी तगड़ी यील्ड, इतनी ज़्यादा अमाउंट में यील्ड, या थोड़ी बात को कम पच रही है, बात कम पच रही है। अब जबकि हम ये जानते हैं सर, आपने तो कहा था कि एंडीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और साफ साफ सर दिख भी रहा है, देखिए तो सर मेटा पे यील्ड आ रही है। और चलिए माना कि कभी 1% 2% आती है तो नेगलेक्ट कर देते हैं आप, 47% यील्ड मेटा पे, तो एक बहुत बेहतरीन सवाल है, वाई वाई बिसाइड्स ऑर्थो एंड पैरा यील्ड अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। क्या मैंने सवाल दिया कि वाई बिसाइड्स ऑर्थो एंड पैरा यील्ड अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, ऐसा क्या हो जाता होगा? तो आइए इंटरनल मैकेनिज्म समझते हैं, इंटरनल मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म ये कह रही है कि होता इंटरनली क्या होता है। एक्चुअली ये जो NH2 देख रहे हो, ये आपको पता है कि ये नेचर में बेसिक है, और जब आप यहाँ पे कॉन्क HCl4 और कॉन्क HCl3 यूज़ कर रहे हो, तो मतलब आप ये काम ना बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रेजेंस में कर रहे हो। अब आपको याद हो उसकी मैकेनिज्म तो मैंने बताई थी, जब आप HNO3 से अटैक कराते हो और बीच में आप H2SO4 लेते हो, तो H2SO4 का कुछ अमाउंट, ये जो एसिड दिख रहा है जिसको आप बोल रहे हो कि अटैक करने यहाँ जाएगा, ये इसके लोन पेयर पर अटैक करने जाएगा, तो ये यहाँ तो जाता ही जाता है, साथ साथ ये यहाँ पर भी चला जाता है। मतलब इनडायरेक्टली इंटरनल कहूँ कि डिब्बे में आपके पास सॉल्यूशन में बेस भी है और सॉल्यूशन में आपके पास एसिड भी है, सॉल्यूशन में आपके पास बेस भी है और सॉल्यूशन में आपके पास एसिड भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये एच प्लस यहाँ के साथ साथ कुछ अमाउंट सही, लेकिन लेकिन ये NH2 जो है, NH2 के पे जो लोन पेयर है वो एच प्लस से इंटरेक्ट करके दोस्त बेंजीन का NH3+ बनाता है, और यहाँ पे बवाल ये हो जाता है कि ये जो NH3+ होता है इसको केमिस्ट्री में एनिलियम आयन बुलाते हैं, और ये एनिलियम आयन विड्रॉइंग नहीं, तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आ जा सकता है। क्या बोला? ये जो एनिलियम आयन है ये विड्रॉइंग नहीं, तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज एकदम पागलपन के बराबर हो जाती है, इतना पागलपन नाइट्रोजन से झेला नहीं जाता और वो खींचने लगता है रिंग से इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं कि उम्मीद तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की थी, लेकिन यहाँ पे उसने विड्रॉइंग बना दिया। तो ये कुछ इंटर ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा हो रहा है, इंटरनल ट्रांजिशन स्टेट के फेसेस में ऐसा हो रहा है, जिस वजह से चूंकि आपको एनिलियम आयन बन रहा है, एनिलियम आयन इज अ तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एनिलियम आयन बन रहा है, और एनिलियम आयन एक तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इस विड्रॉइंग होने की वजह से इसका यील्ड आपको जो है वो 47% मेटा पे दिखता है। तो मेरा अल्टीमेटली बस कहने का सेंस ये है कि आप कभी मत बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे, ऑलवेज ऑलवेज वर्ड मत यूज़ करिएगा कि हाँ भाई रिजल्टेंट ऑर्थो एंड पैरा पे आता है और फलाना फलाना, ऐसा नहीं बोलना है। मेटा पे भी आता है और आता नहीं, अच्छे परसेंटेज में आता है, आपके सामने आ रहा है, ठीक है? तो आप इससे बच सकते हो। सवाल उठता है कि हाउ विल यू कंपेंशिएट दिस, इतना 47% को रोका नहीं जा सकता है क्या? तो आंसर इज हाँ यार, इसको रोका जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, और इसके रोकने का एक तरीका है, टू मिनिमाइज द परसेंटेज यील्ड ऑफ एनिलियम आयन अपन लोग क्या करते हैं, इसको एनिलियम आयन बनने ही नहीं देते हैं। देखो तरीका ये है कि मैं क्या करूं, ये जो मेरी एनिलीन बन रही है ना दोस्त, इस एनिलीन के लोन पेयर को बिजी कर दो। देखो हो क्या रहा है, चूंकि इसका लोन पेयर कुछ सेकंड के लिए सही, ये
फ्री है और ये एच प्लस आके उस पर अटैक कर रहा है, इसी वजह से एनली माइन बन रहा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा सोचें जिससे कि इसके लोन पर बिजी हो जाएं। तो इससे केमिस्ट्री में मैंने पीछे बहुत बार रिएक्शन की है, इसको सी एच थ्री सी एच सी ओ से करा दें, चाहे आप इसको इससे रिएक्ट कराओ, चाहे आप इसको एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराओ, इट्स अप टू यू यार, दोनों का यील्ड लेके आना है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब मैं पूरी मैकेनिज्म यहाँ करने बैठूँगा तो हो चुका ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये सी एल बाहर, तो अल्टीमेटली आपको दोस्त ये बन जाएगा। मैं सब कुछ बाहर बाहर निकाल रहा हूँ, एच सी एल बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो आप ग्रुप देख रहे हो ये हमारा एमाइड ग्रुप है और मैं इसको एम्फी बोल बुलाता हूँ, केमिस्ट्री में इसको एम्फी बोल ग्रुप बुलाया जाता है। मैंने पीछे डिस्कस किया भी था आपसे कि एम्फी बोल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है, एम्फी बोल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी शेयर करते हैं दोस्त, और यहाँ पे भी शेयर करते हैं दोस्त, मतलब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो जाती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूट होना, क्या होना, रीडिस्ट्रीब्यूट होना। अभी तक जब तक ये नहीं था तो मजबूरी एनिलीन को क्या करना पड़ रहा था, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ देने पड़ रहे थे और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो एच प्लस के साथ इंटरेक्ट करके एनिलीमाइन बना रही थी। लेकिन अब मैं कहूँगा कि यार मैं एच प्लस वहाँ पे आए तो आके करेगा क्या, क्योंकि वहाँ पे तो लोन पे डीलोकलाइज हो चुके हैं, उन्होंने दो जगह बांट ली है अपनी डेंसिटी, इसलिए अब उतनी डेंसिटी रही नहीं कि एनिलीमाइन बने। तो अब जब आप ये क्रिएट कर लेते हैं और इसके क्रिएट करने के बाद दोस्त जब आप नाइट्रेशन कराते हो या ब्रोमिनेशन कराते हो, तो इस बार आपको यील्ड पैरा पे आती है और इस बार ऑर्थो पे तो ठीक है आएगी माइनर सी आएगी, लेकिन मेजर किस बन जाती है, पैरा पे बन जाती है, और वो करीबन 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 90-95% तक बनने लगती है। तो देख सकते हैं दोस्त, जो मेरे पहले यील्ड 51% आ रही थी वो मेरी कितनी आ जा रही है, 90-95%। बाकी ये तो आप ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा, करने के बाद वापस आपको एनिलीन मिल जाएगा। मेरा बस अल्टीमेटली कहने का सेंस ये है कि आप हमेशा ऑर्थो और पैरा के बारे में मत सोचो, ज़रूरत के हिसाब से हम चलेंगे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छी लग रही होंगी। अच्छी भी लग रही हो तो मेरे इस कोड को यूज़ कर लेना यार, धीरेन नाम है, ये कोड आपको सीधे सब्सक्रिप्शन प्लान में डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट करवाएगा, ठीक है दोस्त। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो जब कभी भी एनलिन जैसा ग्रुप आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आप जब नाइट्रेशन कर रहे हो तो आपकी उम्मीद के परे रिजल्ट आ रहा है। ये आपने एम्फी बोल इसलिए बनाया कि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सको। जब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे तो एनिलीमाइन बनेगा नहीं, और जब एनिलीमाइन बनेगा नहीं तो मेटा की यील्ड के परसेंटेज की बात ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ओके। सेम एज यही काम जब आप ब्रोमिनेशन करते हो तो वहाँ पर भी यही करते हो, जब आप ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन करते हो एनिलीन का, ये एनिलीन लिया और ये Br2 लिया, तो नॉर्मल कंडीशन पे तीनों जगह Br आने लगता है। तो आपको तो लेकिन ऑर्थो एंड पैरा वाला चाहिए था, ये आने लगता है। बस रीजन वही है कि नाइट्रोजन अपने 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देता है रिंग के 2p ऑर्बिटल में, चूंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनर है और सीधे रिंग को इलेक्ट्रॉन देने लगता है। अब हम ये नहीं चाहते कि मेरा एक साथ ऑर्थो और पैरा पे Br लगने लग जाए, हम चाहते हैं कि अलग हो, तो मुझे फिर से वही इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल करने के लिए फिर वही पुराना काम कि हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। अभी तक जो नाइट्रोजन एक जगह बिजी था उसको मैं बोलूँगा बेटा तेरा काम यहाँ पे भी, तेरा काम यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई दोस्त, डिक्रीज कर गई। मेरी बात समझ में आ रही है ना, पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस्त क्या हुई,
डिक्रीज कर गई। जब पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो फिर ये काम करना बंद कर देगा, मतलब उतना अच्छा डोनर नहीं रह जाएगा। तो फिर वही काम, अब मैं पूरा तो नहीं करूँगा, CH3 COCl से रिएक्ट कराऊँगा, यहाँ उसको एमाइड बना दूंगा जिससे ये ग्रुप एम्फीबोल बन जाएगा। अब आप जो करना है आप करो, ब्रोमिनेशन करना है करो उसको आराम से। ठीक है, बाकी आप हटा तो लो ही हाइड्रोलिसिस करके। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे। तो अल्टीमेटली मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको उम्मीद है ना सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा की, वो हमेशा नहीं आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। उसी जगह पे अगर आप एनिलीन का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओगे, उसी जगह पे अगर आप एनिलीन का फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओगे तो आपको अजब ही रिजल्ट आएगा। अब आप बोलोगे रिजल्ट हम ऑर्थो पे लगाएं और पैरा पे लगाएं तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसका आंसर है नो रिएक्शन। क्या बोला मैंने? नो रिएक्शन। आंसर इसकी ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया यार, हम तो पढ़ के आए हैं एनिलीन डोनेटिंग है और तो पैरा रिजल्टेंट देगा, और आंसर अब सर आप बोल रहे हो नो रिएक्शन। क्या अल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों नहीं? तो हाँ यार, अल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों नहीं, दोनों से यील्ड नहीं आएगा। वैसा क्यों हो रहा होगा, क्यों ऐसा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्यों हमारा ये रिजल्टेंट नहीं आ रहा? तो यहां पे क्या हो रहा है, इस ये जो हमारा एनहाइड्रस AlCl3 आपको दिख रहा है ना, ये अपना धोखाबाजी कर जा रहा है। धोखाबाजी कैसे कर रहा है कि यार ये असल में जो कैटलिस्ट का काम था, जिसका काम था कि CH3COCl के जो Cl- है या CH3Cl का जो Cl- है उसको अलग करके कंट्रोल रखे रहना, सो दैट आप फ्री इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन कर सको और उसको अटैक कराओ, यही तो होता है ना नॉर्मली। लेकिन ये भाई साहब जो काम कैटलिस्ट की तरह करना चाहते थे, उन्होंने अपना जुगाड़ दिखा दिया। इसने कहा भैया मैं जो हूँ कैटलिस्ट की जगह मैं एक लुइस एसिड की तरह बिहेव करूँगा। मैंने कहा ये क्या था? तो उसने कहा देखो ऐसा है कि कैटलिस्ट मैं बाद में हूँ। मैंने कहा सही है यार, तुम क्या कर रहे होगे? तो कह रहा है देखो यार एनिलीन मेरा दोस्त बैठा है एज अ लुइस बेस, और मैं उसका भूखा, उसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत मुझे, तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा। ठीक है, तो ये भाई साहब इन पे अटैक करने लगते हैं, और जब अटैक होता है ना तो सॉल्ट फॉर्मेशन होने लगता है। तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन आने लग गया। आपको लग रहा था कि उम्मीद होगी कि रिजल्टेंट ऑर्थो पे आएगा और रिजल्टेंट पैरा पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब आप एनिलीन में एनहाइड्रस AlCl3 डालते हो तो AlCl3 जिसका काम कैटलिस्ट का था उसने धोखा दे दिया। उसने कहा नहीं भैया हम तो लुइस एसिड तरह काम करेंगे और एनिलीन एक लुइस बेस है, और बचपन से पढ़े आए हैं यार एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट, पढ़ते हैं कि नहीं दोस्त? तो ये यहाँ पे वो हाल हो गया। तो आंसर इज एनिलीन नेवर अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन एज वेल। ठीक है, देख पा रहे, क्लियर कट है मेरी बात? अब यही काम अगर मैं हेलोजन के साथ करूँ, मैंने लिख दिया नाइट्रेशन ऑफ हेलोजन्स, नाइट्रेशन ऑफ हेलोजन्स,
जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने फ्लोरोबेंजीन ले लिया और इसका नाइट्रेशन कर दिया, मतलब मैंने इसको रिएक्ट कराया होगा कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ, तो आपको बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे NO2 का जो परसेंटेज आएगा ऑर्थो पे और पैरा पे थोड़ा सा अलग लगाएगा, है ना। क्या रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा, तो ऐसा है कि बुक्स लिखती हैं कि करीबन 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 12% बनेगा आपका ऑर्थो पे, है ना, करीबन करीबन, मैं ऐसे लगभग लगभग बोल रहा हूँ, और 88 से 87% के अप्रोक्स अप्रोक्स जहाँ बनेगा वो पैरा बनेगा। जबकि यही काम जब आप थोड़ा क्लोरीनेशन के साथ करेंगे, यही काम क्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे, मतलब इसका नाइट्रेशन करेंगे, इसमें आप कॉन्क HNO3 और H2SO4 पुट करेंगे, तो आपको जो परसेंटेज यील्ड आएगी वो थोड़ी सी और अलग आएगी। अब आपको यहाँ पे मैं परसेंटेज यील्ड बताता हूँ, यहाँ पे लगभग लगभग ऑर्थो पे आती है 30% और यहाँ पे आती है 70%। अभी मैं कमेंट दे रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ कमेंट देता हूँ अभी। यही चीज़ अगर आप क्लोरिनेशन की जगह ब्रोमिनेशन करोगे सेम फंडे के साथ, तो पैरा पे कुछ ये और ऑर्थो पे कुछ ये लगभग लगभग जो इसका जो परसेंटेज अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, वो करीबन करीबन 40% आपका ये आ जाएगा और 60% आपका ये आएगा, करीबन करीबन। कुछ बुक्स 48 भी लिखती हैं, चलेगा उतना, ठीक है। तो आप मेरी बात एक बात देख पा रहे हो कि फ्लोरिनेशन में पैरा की यील्ड ज़्यादा थी, जब फ्लोरो बेंजीन था उसका आपने नाइट्रेशन किया, जब आपने क्लोरोबेंजीन क्या किया तो 70% हुआ, और जब ब्रोमीन का किया तो आपको लगभग 60% दे। मतलब आप एक बात देख पा रहे हो कि जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ रही है, यहाँ पे क्राउडिंग ना बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए कि मुझे माइनस आई इफेक्ट की बात करनी चाहिए आपसे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, आपको अच्छी तरह पता है ये बात, आपको अच्छी तरह ये बात पता है कि जब मैं इसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊंगा तो पैरा पे यील्ड जो आएगी और जो ऑर्थो पे यील्ड आएगी वो कुछ ऐसी इंटरमीडिएट के साथ आएगी। यहाँ पे मैं NO2 प्लस ले सकता हूँ एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो देखो पैरा पे हमारी ये आएगी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और क्लोरीन के लिए भी यहाँ आएगा और ब्रोमीन के लिए भी यहाँ आएगा दोस्त, मैं पैराक्लिस सोच रहा हूँ तो तब बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि जैसे जैसे फ्लोरिनेशन में इसका 88% है, क्लोरिनेशन में इसका वही चीज 70 हो गया, ब्रोमिनेशन में वही चीज 60 हो गया। मतलब आप जैसे जैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ जाते जा रहे हो वैसे वैसे पैरा का यील्ड घटता चला जा रहा है और ऑर्थो का यील्ड अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जितना ज़्यादा तगड़ी उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब आपको ये पता है कि एक डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इसका पैरा पे असर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पैरा पे वो क्या देने लगता है, मेजर देने लगता है। और ऑर्थो पे अगर यही काम करता मैं, अगर यही काम मैं ऑर्थो पे करता तो देखो ये दो जगह से बर्बाद होता पॉजिटिव चार्ज। एक तो देखो फ्लोरीन बर्बाद कर ही रही है और NO2 बर्बाद करता, तो दोनों तरफ से पॉजिटिव चार्ज बर्बाद हो रहा था एज पर डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट, ठीक है। जबकि थोड़ा सा अगर मैं NO2 यहाँ पे देखता हूँ तो उसका असर उतना नहीं है एज पर माइनस आई और डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट।
इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं कि यार जो हमारा ऑर्थो पोजिशन है उसमें पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए आप ईल्ड कहाँ पे दे रहे हो, इस ईल्ड का परसेंटेज दे रहे हो मात्र और मात्र 12% दे रहे हो, जबकि इस पे 88 करीबन चला जा रहा है। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं बोल रहा हूँ, सब डाटा बेस्ड है बेटा, एक्सपेरिमेंट मैंने लैब में नहीं किया, तुम भी लैब में नहीं करोगे इन सबका एक्सपेरिमेंट। डाटा के बारे में समझे, केमिस्ट्री है कि पहले डाटा आता है, एक्सपेरिमेंट होगा, डाटा आएगा, फिर उस पर हम लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे होंगे। यही चीज़ अगर आप थोड़ा क्लोरोबेंजीन की तरफ जाओगे तो आपको पता है कि उसका उतना माइनस आई इफेक्ट नहीं आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बर्बाद तो होगा लेकिन उतना बर्बाद नहीं होगा जितना फ्लोरीन बर्बाद करेगा, और ब्रोमीन में यही बर्बादी थोड़ी और कम होगी। अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूँ तो ब्रोमीन को कंडीशन थोड़ी देर के लिए दोस्त ऐसी आएगी, एक बार मैकेनिज्म के दौरान, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ सिर्फ, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बर्बाद कौन सा हो रहा है, फ्लोरीन वाला पॉजिटिव चार्ज बर्बाद हो रहा है इस कंपेरिजन टू ब्रोमीन वाले पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो मेरा बस बोलने का सेंस ये है कि ब्रोमीन में उतना दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए देख सकते हो ब्रोमीन की यील्ड बढ़ गई है, देख सकते हो ब्रोमीन में ऑर्थो की यील्ड 40% हो गई है, इवन आयोडीन में जो करीबन करीबन जाती है 45 और 55, लगभग लगभग। तो उसका मतलब मैं बस एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पैरा पी यील्ड बढ़ रहा है और ऑर्थो की यील्ड घट रहा है। यूँ कहूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जा रही है इन केस ऑफ हेलोजन्स, वैसे वैसे परसेंटेज यील्ड इन द ऑर्थो, परसेंटेज यील्ड इन द ऑर्थो दोस्त इंक्रीज करते चला जा रहा है, और परसेंटेज यील्ड इन द पैरा डिक्रीज कर रहा है। यही क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है कि इनमें से चार की परसेंटेज यील्ड में क्या होता है और क्या रिलेशन से आया है। एसेशन रीजन जब आया था तब का ये सवाल है, एसेशन रीजन से आया हुआ है, कैसा क्यों हो रहा है, तो आप बता सकते हो, आप मेरी बात को समझ पाए होगे तो ज़रूर बता दोगे कि पैरा पोजीशन पे इन केस ऑफ फ्लोरो पैरा पे फिर भी स्टेबल है, ऑर्थो पे तो दोनों तरफ से बर्बाद हो रहा है, और जब हम ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं या आयोडिनेशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आयोडीन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है आयोडीन या ब्रोमीन एज कम्पेरिजन टू फ्लोरीन, तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी कम होगा, माइनस इफेक्ट कम होगा तो आपका ऑर्थो पे भी यील्ड आने लग जाएगी, ठीक है, या यू कहूँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा सही लेकिन स्टेबल हो सकता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आप मेरी बात को पकड़ो, ठीक है, मैं हेलोजेंस के बारे में बात कर रहा था, उनकी नाइट्रेशन के बारे में बात कर रहा था, और ये सारी बातें मैंने परसेंटेज यील्ड से की, और मैंने ये कहा कि देखो कब कब किस परसेंटेज पे और मेजर और माइनर आ रहा है। तो अगर आयोडिनेशन होगा तो लगभग लगभग जो मेरा डाटा कहता है वो 45-55 का है, रेशियो है आयोडिनेशन में, लगभग लगभग कुछ बुक्स 41 भी लिख सकती हैं, 59-41 भी लिख सकती हैं, मैं लगभग लगभग डाटा बता रहा हूँ। मेन मैं अपना मोटिव सॉल्व कराना चाह रहा हूँ आपसे कि ये कंसेप्ट याद रखना यार, हैलोजन्स पे जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी वैसे वैसे ऑर्थो की यील्ड बढ़ेगी और पैरा की यील्ड घटेगी, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊं और मैं ये काम करता हूँ टॉलिन को लेके, टॉलिन की परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, और यहाँ तो बवाल नहीं बहुत तगड़ा बवाल होएगा, आपको मेरी बातें तो एकदम अलग लेवल पर समझ में आएंगी, पता नहीं क्या करेगा लगेगा ऐसा बंदा। बट इसको बताने से पहले मैं आपको बस इतना हिंट दे दूं कि टॉलिन जैसे ग्रुप रेजोनेंस की वजह से नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से करते हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और दोबारा भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको पता है ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्टेबल तो होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन डोनर और विड्रॉल वाया हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं, ना कि रेजोनेंस होते हैं। तो अब मेरी बात थोड़ा सा दिमाग खोल के थोड़ा लॉजिकली भी सोचिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप परसेंटेज बनाइएगा।
तो आपको ये भी पता है कि जनरल 95% कंडीशन में या 98% कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है वो रेजोनेंस की कंपेयर में तो यार कम है, रेजोनेंस की कंपेयर में तो दोस्त कम है, मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इस बार थोड़ा सा रिजल्टेंट कुछ आपकी उम्मीद से अलग आएगा। आइए हम नाइट्रेशन करते हैं टॉलिन का। ये हमारा टॉलिन है, इसका मैं नाइट्रेशन की उम्मीद कर रहा हूँ। मैंने इसमें कॉन्क HNO3 डाला, कॉन्क H2SO4 डाला, और जनरली चूंकि ये आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे आएगा। लेकिन दोस्त उम्मीद के परे तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा। जो डाटा कहता है वो ये बोलता है कि इसकी जो परसेंटेज ही लाएगी वो करीबन करीबन 58% आ रही है। आप सोचो 58% करीबन करीबन 58% आ रही है, और इसकी जो आ रही है वो लगभग लगभग 37% आ रही है, लगभग लगभग। ठीक है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया सर? मेजर, सर मेजर ऑर्थो हो गया और सर पैरा माइनर हो गया, ये कैसे हो गया सर? मन में सवाल जरूर कूजा होगा कि सर मेजर ऑर्थो हो गया, हम तो हमेशा पढ़ के आते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उनका रिजल्टेंट ऑर्थो और पैरा में हमारा ऑर्थो माइनर होता है और पैरा सर हमारा मेजर होता है, लेकिन सर आपने तो अलग ही मजा ले लिया हमारे। तो आओ समझते हैं इस बारीक से कि क्या चाह रहा है। तो देखो दोस्त, मैं दोनों ही केस खेलूंगा, मैं एक बार ऑर्थो पे अटैक करा के देखूंगा और एक बार पैरा पे। तो देखो इंटरमीडिएट की बात करूंगा, पहला जब उसने ऑर्थो पे अटैक किया होगा तो इंटरमीडिएट उसका ये आएगा दोस्त, और जब पैरा पे अटैक करूंगा दोस्त तो इसका इंटरमीडिएट ही आएगा। अब आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की वजह से ऐसा हुआ, और आपको ये भी पता है कि जो मिथाइल ग्रुप हैं ये आपके प्लस आई इफेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है, डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है। और चूंकि ये डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है दोस्त, तो आपको पता है कि इसका जो प्लस आई इफेक्ट का जो असर है, इसका जो असर है वो कहाँ पे रहेगा और कहाँ पे नहीं रहेगा, ये हमको देखना है। एक बार ये सिचुएशन थी और ये सिचुएशन कभी ना कभी यहाँ से होके आई होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया होगा कभी ना कभी, यहाँ पे आया होगा, रेजोनेंस होने की बात है। तो ये आप देख सकते हो, चूंकि डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट है और डिस्टेंस फिनोमेना से इसका जो प्लस आई इफेक्ट है, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जबकि यहाँ पे उतना स्टेबल नहीं रहेगा NO2 के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की बात है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दूर तक दे नहीं पाएगा, इसलिए जो दे पा रहा है, जो दे पा रहा है वो कहाँ पे दे पा रहा है? ऑर्थो पे दे पा रहा है एज कंपेरिजन टू पैरा। ठीक है, लगभग लगभग। तो हम ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो टॉलिन के साथ जब हम नाइट्रेशन देख रहे हैं तो करीबन करीबन 58% ऑफ यील्ड हम ऑर्थो पे देखते हैं और 37% यील्ड लगभग लगभग हम पैरा पे देखते हैं। हाँ, बाकी बाकी ये तो फैक्ट है ना यार दोस्त, अगर मैं थोड़ी क्राउडिंग बढ़ा दूंगा तो वो चीज़ कुछ अलग हो जाएगी। मैंने ये ले लिया, अब मैंने आपसे कहा कि इसका नाइट्रेशन करो, तो आपको पता है कि
इसके एक रिजल्टेंट ये आएगा, और एक रिजल्टेंट ये आएगा। यहां पे इतना तगड़ा ड्रॉप आउट होगा दस बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। यहाँ पे औरतों पे 1% का, 1% करीबन करीबन 1%, कुछ बुक्स 2-3 भी लिखती हैं, ठीक है, और यहाँ पे करीबन करीबन 99% करीब चला जाएगा। तो यहाँ पे पैरामेजर हो गया। इसके पीछे दो तीन दो कारण समझा सकता हूँ। पहला कारण तो देखो तुम्हें दिख रहा होगा क्राउडिंग, यहाँ पे बहुत तगड़ी क्राउडिंग होगी। और दूसरा, चूंकि यहाँ पे दोस्त हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव है की वजह से इसके पास तीन तीन अल्फा हैं, यहाँ पे तीन तीन अल्फा हैं, यहाँ पे तो जीरो अल्फा है यार, ये हाथी के दांत हैं दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, तो तीन तीन अल्फा हैं, या जीरो मतलब जीरो अल्फा है, सॉरी। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना तगड़ा नहीं होगा जितना वहाँ पे हो गया, और जब हाइपर कॉन्जुगेशन उतना तगड़ा नहीं होगा तो यार वहाँ पे तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट और क्राउडिंग इफेक्ट ही काम करेगा मेन। और क्राउडिंग इफेक्ट बोलता है कि भाई औरतों पे तो नहीं, ना के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ना के बराबर हो तो, क्योंकि क्राउडिंग से हम बच सके। ठीक है, क्लियर कट है, बढ़ जाएं आगे, क्लियर कट है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और बवाल मचाएगा आपके दिमाग का, वो है अल्काइलेशन ऑफ टॉलीन। अल्काइलेशन ऑफ टॉलीन, जब हम टॉलीन का अल्काइलेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक क्या कर जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, मिस्टेक समझाता हूँ। एक रिजल्टेंट ऑर्थो पे, एक रिजल्टेंट पैरा पे। अब अगर मैं परसेंटेज यील्ड की बात करूं तो जो डाटा के अकॉर्डिंग परसेंटेज यील्ड है वो बिलीव नहीं करोगे 54% आपका ऑर्थो पे है, और करीबन 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 30% जो है वो आपका पैरा पे है, और लगभग 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 जो बचा वो परसेंटेज है करीबन कितना हो जाएगा, 16 मेरे ख्याल से। मेटा पे है, फिर से वही कहानी रिपीट हुई, फिर से वही कहानी रिपीट हुई। सर आप पैरा को, सर पैरा को आप माइनर बता रहे हो और सर ऑर्थो को मेजर बता रहे हो, और ये भी सुनो, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हो रही है, इसका मतलब सर टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ मेरे भाई, टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, दिखाता हूँ कि ये कुछ, अगर यही चीज़ CH3 ले लिया और मैंने CH3Cl ले लिया, मैंने टेम्परेचर को राइज कर दिया करीबन करीबन 25 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया, तो कहानी मस्त मगन हो जाएगी। मस्त मगन, ऐसी मस्त मगन कि आपके दिमाग के पुर्जे हिलने लगेंगे। लेकिन मैं एक एक एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। अब तुम सोचो क्या करें, किसको मेजर बनाएं किसको माइनर बनाएं। तुम बिलीव नहीं करोगे, ऑर्थो का मात्र और मात्र 3% है, और इसका लगभग 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 70% मेटा का है, और यहां का लगभग लगभग 27% है। भाई साहब, मेटा मेजर, मेटा मेजर कहानी पलट गई। यहां तक तो सर थोड़ी देर के लिए फिर भी हजम हो रहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑर्थो आपने मेजर मान लिया, चलिए थोड़ी देर के लिए हजम कर लें। सर यहां तो आप मेटा को मेजर बना रहे हो, यहां पे सर आप मेटा को मेजर बना रहे हो, इसका मतलब क्या मैं समझू टेम्परेचर और बढ़ा दूं तो गेम और बदल जाएगा? सही समझ रहे हो दोस्त, टेम्परेचर तुम और बढ़ा दो, 70, 80, 90 की तरफ लेके चले जाओ, तो पता है 90% यील्ड मेटा पे आने लगता है। और
औरतों में बचेगा क्या? कुछ हो नहीं, 1% ही करीब बचता है, और करीबन करीबन जो है, करीबन करीबन कुछ परसेंट सही, लेकिन ये परसेंट चला जाता है पैरा, फिर खुजली हुई दिमाग में, यार चाह क्या रहे हो आप जिंदगी से हमारी? हम अपने जितने भी लाइफ भर में हमने पढ़ा है, नॉलेज ली है, तो हमने तो यही सीखा है कि सर एक तो सर मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चलिए आपने सिखाया रेजोनेंस के थ्रू, नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, सर वो भी माना आपने, ये भी कहा कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन थ्रू और ऑर्थन पैरा पे ली जाएगी, तो सर इलेक्ट्रोफाइल भी सर वही है, आप सर गेम खेल गए हमारे साथ, तो मेटा पे यील्ड दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, ये एक्सपेरिमेंट डाटा दे रहा है, बस इसका एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको कि मैं कैसे इसका एक्सप्लेन करूं और क्या करूं। तो आओ समझते हैं, दिल थाम के बैठिएगा इसको समझने के लिए। असल में दोस्त ये केमिस्ट्री है, ये असल में केसीपी होती है, मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। और ये दोनों टीसीपी होते हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। और ये बात आप बहुत कथा कथित जानते हो, मेरे पीछे वीडियोस में देख चुके होंगे, मैंने बताया है कि काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली में काइनेटिकली हमेशा ट्रांजिशन स्टेट से देखी जाती है, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट की यील्ड देखी जाती है, काइनेटिकली लो टेम्परेचर पे होगी, थर्मोडायनेमिकली हाई टेम्परेचर पे होगी, काइनेटिकली की हाफ लाइफ कम होती है, थर्मोडायनेमिकली हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, सारी बातें बता चुका हूँ दोस्त, सारी बातें की नॉलेज दे चुका हूँ आपको, दिया है कि नहीं, ये याद है कि नहीं पीछे वाली बात, बस अब ये समझो कि ऐसा क्या हो रहा है। तो देखो, अगर मैं बात पहले तो केसीपी वाले प्रोडक्ट की करता हूँ, मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ, उस पे हमने देखा कि ऑर्थो वाला मेरा मेजर है, तो यहाँ पे तो देखो वो कारण है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट कारण, कि जब आप यहाँ पे कार्बोकटायन लोगे और जब तुम कार्बोकटायन यहाँ पे लोगे इसके लिए, तो अगेन डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट काम करेगा दोस्त, यहाँ पे कार्बोकटायन मिलके इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे, जबकि ये यहाँ पे उतने स्टेबलाइज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है। चूंकि डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज इस पोजीशन पे रहता है, इस मिथाइल के साथ और उस मिथाइल के साथ। यहाँ पे आपका मन कर रहा होगा क्राउडिंग बोलने का, लेकिन देखो दोस्त, टेम्परेचर है बहुत कम, टेम्परेचर बहुत कम है तो स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सकती है, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम ऑर्थो को क्या बुला रहे हैं, मेजर बुला रहे हैं, और दोस्त पैरा को अपन लोग माइनर बुला रहे हैं, इस कारण से। लेकिन जब हम टीसीपी पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आप मजे की बात ये देख पा रहे हो कि जब मैं 25 पे देख रहा हूं उसको, तो आप ये देख पा रहे हो कि जो परसेंटेज यील्ड दिख रही है वो मेटा पे मेजर दिख रही है, मेटा पे मेजर दिख रही है, और बाकी पे आपको माइनर दिख रही है, ठीक है? बाकी पे आपको माइनर दिख रही है, और परसेंटेज यील्ड कुछ इतनी है, ये मैंने आपको लिखी पीछे, कि जो आपकी परसेंटेज यील्ड आ रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो करीबन 31, 27, 70, 70, 31, 27, ठीक है ना?
मतलब 70% हमारा जो है ये बन रहा है। सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं ऑर्थो और पैरा पे मेजर बन रहा है, और आप कैसे कह रहे हो कि सर मेटा वाला मेजर हो रहा है, तो एकदम अलग बात बोल रहे हो बार बार अल्काइलेशन का, वो भी मेटा पे सर मेजर। तो एक साइंटिस्ट थे मार्च, उन्होंने उनका ये एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा कि मान लीजिए इसके पहला रीज़न दे दें, तो देखो एक रीज़न मैं आपको देता हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आपका पैरा मेजर है, जब आप पैरा मेजर की बात करते हो तो थोड़ी देर के लिए आप ये देखना कि अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म कराने लग जाऊँ, दोस्त, तो कुछ ऐसे होगा। ऐसे कुछ, अब एक बात देखो यार, आप एक बात देखो, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना कि टॉटोमेरिज्म करने के बाद जब, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग फाइनल यील्ड की बात करते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ। अब देख पा रहे हो कि यार यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो टॉटोमेरिज्म करने के प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट को मैंने चेकअप किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, तो ये स्टेबल नहीं है, इट्स नॉट स्टेबल। और मैंने आपसे क्या कहा था कि थर्मोडायनेमिकली हमेशा अपन लोग प्रोडक्ट की यील्ड का परसेंटेज देखते हैं, तो जब प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है पैरा पे बनने का। यही चीज़ औरतों पे भी होगा, अगर मैंने इसको एजम्पशन लिया कि पैरा पे है, तो पैरा पे देख सकते हो तुम्हारे सामने दिख रहा है कि नेगेटिव आ रहा है तुम्हारा पैरा पोजिशन पे, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, यही चीज़ तुम्हारा औरतों पे भी आएगा, यहीं पे यही चीज़ तुम्हारा औरतों पे भी आएगा दोस्त। अगर तुम ऑर्थो को मानते हो टॉटोमराइज करने के बाद कुछ ऐसा, ठीक है मैं टॉटोमराइज कर चुका हूँ यार, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये अगेन नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे आ रहा है और ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। तो चूंकि हम परसेंटेज यील्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको दिख रहा है कि ना तो ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, ना तो पैरा पोजिशन नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पे जो परसेंटेज यील्ड आ रही है वो बहुत बहुत अलग सी आ रही है। आपको 70% यहाँ दिख रहा है और यहाँ करीबन कितना है यार, 3% और 27%, 27% करीबन यहाँ दिख रहा है और 3% लगभग यहाँ दिख रहा है। औरतों पे तो और कम दिख रहा है द रीज़न बिहाइंड, चूँकि इस बार आप थर्मोडायनेमिकली सोचोगे तो रिपल्जन के बारे में सोचोगे, लेकिन जब आप टेम्परेचर की बात कर रहे थे, जब आप KCP भी थे, तो आपने कहा कि चूंकि ऑर्थो पोजिशन इसलिए मेजर बनाया द रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है, बहुत लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पोजिशन पे स्टेबिलिटी दे दी जा सकती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए दोस्त इसका जो यील्ड आ रहा है वो करीबन करीबन मात्र 2-3-4% आ रहा है, और इस यहाँ से जो यील्ड आ रहा है वो करीबन करीबन जो है तुम्हारा 27% आ रहा है। लेकिन जब तुम इसको मेटा से देख रहे हो और फिर टॉटोमराइज करा रहे हो, तो कभी भी बस नेगेटिव चार्ज मेटा पे आ नहीं रहा है, वो गुजर रहा है वहाँ से, वो भी पॉजिटिव देते हुए गुजर रहा है, है ना दोस्त। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बहुत तगड़ी बात बताई है मैंने यार, अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो समझ लो तुम्हारा दिमाग खुल गया, तुम्हारी केमिस्ट्री पढ़ने पड़ गई। अब देखो ये यहाँ से गुजरते हुए अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, कुछ सेकंड के लिए ही सही, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज तो आपको दिख रहा है, कुछ सेकंड के लिए सही, है ना। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इसका यील्ड जो आ रहा है वो करीबन क्या आ रहा है, करीबन 70% आ रहा है, और हाई टेम्परेचर पे और कहानी पलट रही है, हाई टेम्परेचर पे और स्टेबल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि लो टेम्परेचर पे किसी भी प्रोडक्ट देखते हैं
और हाई टेम्परेचर पे अपन लोग जो है टीसीपी देखते हैं, और टीसीपी भी हम लोग फाइनल यील्ड की देखते हैं, और फाइनल यील्ड से हमने चेक किया कि हाँ यार तुम्हारा जो मेजर आ रहा है वो ऑर्थो और पैरा की जगह मेटा पे आ रहा है। और दोस्त इसका दूसरा कारण एक और भी है, इसका दूसरा कारण एक और भी है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन डाटा है कि इसका जो इक्विलिब्रियम है ना, अगर जो चीज़ पैरा पे आती भी है तो वो मेटा की तरफ चली जाती है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम मेटा की तरफ शिफ्ट रहता है, ये जस्ट टू अचीव द स्टेबिलिटी, जस्ट टू अचीव द स्टेबिलिटी ऐसा होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाती है, और मिथाइल शिफ्ट की हेल्प से ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब मिथाइल शिफ्ट मैं नहीं कर रहा, वही करूँगा भाई, एट द एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, यहाँ पे एच है तो घुमाऊंगा। ठीक है, करने की मैं जहमत नहीं समझ रहा, इसलिए प्लीज़, ठीक है, चूँकि अंडरस्टूड है, आप तोड़ लीजिएगा यार, यहाँ पे पॉजिटिव ले आइएगा, ओके, और इसको उठा के शिफ्ट मार दीजिएगा। मतलब मेरा बस कहने का सेंस है कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, स्टडी के थ्रू पाया गया कि यहाँ पे चूँकि नेगेटिव चार्ज जब आया था, जब मैंने आपसे कहा था कि यार ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, जब मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको शिफ्ट कराने की सोचते हो, और जब आप इसका शिफ्ट कराते हो तो आपको रिजल्टेंट अपने आप नज़र आता होगा कि वो मेटा पे बन जा रहा है। ठीक है, तो मेन हमने अल्टीमेटली दोस्त तब से यही सिखा रहा हूँ आपको, तब से मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो भौरी मची पड़ी है कि यार मेजर हमारा जो है पैरा होता है, ऑर्थो माइनर होता है, मैंने तो मेटा को भी मेजर कर दिया, मैंने तो मेटा को भी मेजर कर दिया, इसलिए हम्बल वाली रिक्वेस्ट बस आपसे ये है कि प्लीज़ कंसेप्ट को लेके समझो, नॉलेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, रटना नहीं है, क्योंकि जेई में अपन लोग कभी भी रटेंगे तो आपके एक्सपेक्टेड से परे आंसर आएगा। और दिन भर दिन कंपटीशन लेवल इतना हाई हो रहा है ना, आप अगर इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो कोई ना कोई बच्चा तो जानता होगा, जो जानता होगा वो आपके हमेशा मजे लेगा, या यूँ कहूँ कि एग्ज़ाम में अगर उसने क्वेश्चन दे दिया कि अगर मैं मिथाइल मतलब फिडल का कैलकुलेशन करता हूँ टॉलिन का तो यील्ड कहाँ पे आती है, तो खटक से लोग पैरा पे लगाते हैं यार, अच्छे अच्छे लोग लगाते हैं, मतलब आप तो स्टूडेंट हो, मैंने तो बहुतों को लगाते देखा है। ठीक है, तो इसलिए जो क्वालिटी ऑफ नॉलेज है ना उसको सम्मान दो, उसकी लेवल करो कि हाँ यार वो क्या है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको जहन तक आ गई होंगी कि बंदा आखिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर इस वीडियो को दो तीन बार देखोगे तभी आपको जाके अंदर जाके रिलाइज होगा, पचेगा, यहाँ यार बंदा ऐसा भी बोल सकता है कि मेटा को मेजर बना देता है वो भी जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि आपको तो इतना पढ़ाया जाता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब ही नहीं है, नहीं मैंने खोला तुमसे, खोल के चेक करो। ठीक है, तो दोस्त आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हम थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, और यही काम अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे देखता हूँ, परसेंटेज यील्ड इन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो उस पर तो एक ही यील्ड आती है, मेटा यील्ड आती है, जैसे आपने बेंजोइक एसिड लिया और आपने इसका ब्रोमिनेशन कर दिया या क्लोरिनेशन कर दिया यार, तो आपको तो यहाँ पे यार मेटा पे आएगा, यहाँ पे ऐसा ज़्यादा उल्टा सीधा आंसर नहीं है। मेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का था, जो मैंने अपनी नॉलेज से जितना मुझे आता था वो मैंने आपको देने की कोशिश की। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और लोगों को बताना कि भाई साहब फिडल का वैल्कुलेशन जब टॉलिन का होता है तो हाई टेम्परेचर पे मेटा मेजर बनता है।
बहुत लोगों के तो बाउंस होगा, लेकिन जो समझ जाएगा आपकी बात, जो जो बात मैंने आपको समझाई, अगर आप उसको समझ जाते हो तो अलग ही लेवल की केमिस्ट्री है यार, मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, ठीक है। अब एक होता है नया अटैक, इसको सिखाता हूँ, उसको बोलते हैं इप्सो अटैक। अभी दो पहले तो इप्सो होता क्या है? इप्सो वर्ड आया है इटसेल्फ से, है? इसका क्या मतलब होता है? देखो, जब आप कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग जब कहीं लिखते हो, तो आप बोलते हो ना यार, ये मेरी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेरी मेटा पोजीशन है, ये मेरी पैरा पोजीशन है, ये मेरी ऑर्थो है, ये मेटा है, आप बोलते हो ना। तो ये जो ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हो, ये किसके रिस्पेक्ट में बोलते हो? ये यहाँ लगे हुए ग्रुप रिस्पेक्ट बोलते हो। तो जहाँ पे जो ग्रुप लगता है, इस ग्रुप को बोलते हैं इप्सो पोजीशन। इस जगह को बोलते हैं इप्सो इप्सो पोजीशन। इप्सो के बगल वाली ऑर्थो मेटा देन पैरा एंड सोन चलता रहता है। तो जिस पोजीशन पे कोई ग्रुप लगता है, दैट पोजीशन इज नोन एज इप्सो पोजीशन। और जब इस पे अटैक होगा, तो इस अटैक को अपन लोग बोलेंगे इप्सो अटैक, ठीक है। इस अटैक को हम लोग बोलेंगे इप्सो अटैक। इस पोजीशन पे जो अटैक होगा, वो इप्सो पोजीशन का अटैक होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं है अपने कोर्स में दोस्त, लेकिन स्लाइटली सही सही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये ग्रुप है, अब ये ग्रुप ना इतने अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर भी नहीं है, तो क्या करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं, इसको एच प्लस इप्सो अटैक करा देते हैं। अब इप्सो अटैक से दोस्त होता ये है कि यहाँ पे एच प्लस आ जाता है और ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ये एच यहाँ आ जाता है ये वाला, और ये ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक है। अटैक ऐसे ही होता होगा, जो जैसे आप एकदम सोच सही सोचे हो, ठीक है। इंटरनल रेजोनेंस घूमती होगी, फलाना पूरा मूवमेंट होता होगा, नो डाउट, ठीक है। बहुत तगड़ा इंटरनल मैकेनिज्म है, बट हमको मेन इस बार इप्सो पोजीशन के लगे हुए मेंबर को भी खाली करना हो। बाकी आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हो यार, क्योंकि एच प्लस तो आपकी खेती में है, लेते चले जाओ और स्टेबल करते चले जाओ, वो तो आपकी पर्सनल नॉलेज है। मतलब मेरा बस मोटिव था कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ यार, इप्सो पे भी अटैक होता है। जो आप जो आपने पीछे ये देखा ना मेरा, कि कैसे हम लोग पैरा से मेटा की तरफ गए, और मैंने इसका इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में रखा, और मैंने कहा देख दोस्त, मेटा की यील्ड ज़्यादा है पैरा से, तो ये इप्सो अटैक की वजह। अब मैं इसको ग्रुप मान लेता हूँ, तो ये इप्सो ही अटैक तो है, ये अपने आप में वाया इप्सो अटैक ही हुआ है ना, ये अपने आप में इप्सो अटैक ही है। एच प्लस यहाँ आया होगा, तो मूवमेंट हुआ होगा, फिर अटैक होने के बाद आपका शिफ्ट हो गया होगा, है ना भाई। ये कुछ ऐसे हुआ होगा ना दोस्त, ऐसे यहाँ आया होगा नेगेटिव चार्ज, और मूवमेंट आपको दिखाई दिया होगा, नहीं सॉरी, इप्सो अटैक यहाँ करा रहे हो यार, तो ये आपको यहाँ शिफ्ट होते हुए दिखाई देता होगा, तो अब यहाँ पहुँचते हो, तो ये भी अपने आप में इप्सो अटैक है। फॉलोड बाय, आप इसको मिथाइल शिफ्ट बोलते हो, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। फॉलोड बाय, आप इसको मिथाइल शिफ्ट बोलते हो, दैट इज डिफरेंट, है तो है लेकिन वही ना, है तो अपना इप्सो अटैक ना। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि ऑर्थो पे कैसे रिजल्टेंट आते हैं, पैरा पे रिजल्टेंट कैसे आते हैं, मेटा पे रिजल्टेंट कैसे आते हैं, कब कब ऑर्थो वाला पैरा देता है, कब कब क्या होता है, हमने बहुत कुछ सीखा है यार आज, ठीक है। अब एक आध इसकी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, इसकी एक आध एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। कैसे ये गेटरमैन कोच रिएक्शन हमारे काम आती है, कैसे हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, मैं आपको बताता हूँ कि ये काम क्या करती है। इसमें CO.HCl पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और आपको दोस्त ये बेंजल डिहाइड बनाता है। दिस इज द वे टू कन्वर्ट टू बेंजीन टू बेंजल डिहाइड, बट अपन लोग इसकी मैकेनिज्म से होके गुजरेंगे तो रिजल्टेंट थोड़ा सा अलग पाएंगे,
जो रिजल्टेंट मैकेनिज्म होगी वो कुछ ऐसा होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है और जो HCl होता है, इसका अपने आप में बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है। तगड़ा कॉम्बिनेशन आपको पता ही है कि AlCl4- निकलता है और दो H+ निकलता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। और फिर चूंकि यहाँ पे इस मैकेनिज्म में ये CO पड़ा है आपके पास, ठीक है, तो ये जो H+ है इसको अटैक करता है, इस पर खाली कर देता है, इसको बाहर निकालने की कोशिश करवाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली हम इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं यार, फाइनली लोन पर अटैक, फलाना ढिमकाना, इंटरनल अटैक हुआ होगा, ठीक है। वैसे होता ही H+ यहाँ पे है, इसको आप ऐसे दिखा दो, ठीक है, ये अटैक ये होगा। तो यहाँ पे जब ये अटैक होता है तो देखो ये दोस्त ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल वही अपनी बेंजीन में जाके अटैक करने की सोचता है। यहाँ पे अपने पास H आ गया होगा एक, तो अपने पास दोस्त ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल खाली रहता है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और मैंने इसका अटैक करा दिया दोस्त। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, और ये फिर वही अपना रेजोनेंस चल रहा होगा। मैं पूरा रेजोनेंस तो सोच रहा हूँ ना ही करूँ, फिर वही डीप्रोटोनेशन, बस यहां से आप H+ को बाहर निकाल रहे होगे दोस्त, आपको बेंजल डिहाइड टाइप मिल रहा होगा। अब सवाल ये नहीं है कि एग्जाम में मैकेनिज्म क्या आएगी, एग्जाम में मैकेनिज्म पूछेगा नहीं, एग्जाम पूछेगा रेट, किसका अटैक ज्यादा होगा। तो इस मैकेनिज्म से कंक्लूजन ये निकला कि अपने आप में एक इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म है, और जब हमसे अटैक करने का रेट कहेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए हमसे बोल दिया कि यार गटरमैन कोच इनमें से सबसे फास्टर किस में जाएगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, हमसे बोलेगा बताओ रेट ऑफ गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिन्होंने सिर्फ ये पढ़ के आया होगा ना गेटरमैन बेंजीन से बेंजल डिहाइड का कन्वर्जन है, वो साफ हो जाएंगे, उनके लिए ये पल्ले का क्वेश्चन नहीं है। आपको मेन मोटिव ये पता होना चाहिए कि जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आती है, और जिनको ये पता चल गया कि यार इसकी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जा रही है, तो आप तुरंत बता सकते हो दोस्त ये 3 अल्फा, दोस्त ये 2 अल्फा, ये 1 अल्फा, इसकी भौकाल ज़्यादा होगी, इसलिए सीधे सीधे आंसर में लिखूंगा ABC टुवर्ड द गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये मुझे कब पता चला, जब मैंने मैकेनिज्म देखी। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर रिएक्शन की मैकेनिज्म समझा सकूँ, हर रिएक्शन के बारे में बता सकूं कि इस मैकेनिज्म से ये हो रहा है, इस मैकेनिज्म से ये हो रहा है, इससे आपका जो नॉलेज है ना वो हाई लेवल चला जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो बहुत तगड़ा है, बहुत बेहतरीन है, आप इसको सोचिएगा कि मैंने क्या पढ़ा दिया आज, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार उसको लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा यार, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा इस कोड को मत भूलिएगा, ये कोड आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा और मेरे से डायरेक्ट लिंक करवाएगा एक और, और वहाँ पे मैं आपको और बवाली चीज़ पढ़ाऊँगा, जैसे कि मैंने आज आपको बताया एकदम अलग ही चीज़, ठीक है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।